हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जो आप मंदिरों में जो नारियल यूज़ करते हैं, जैसे पूजा होती है तो हम लोग उसे मंदिर में ही रख देते हैं, बहुत लोग उसे खाते नहीं है, पूजा का जो नारियल होता है, तो आप उसे कैसे यूज़ करें, और जो आपके घरों में राखियाँ पड़ी रहती हैं आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे राखी का फेस्टिवल था 15 अगस्त को, तो शायद बहुत सारी राखियाँ वेस्ट हो जाती हैं, बच जाती हैं और यूज़ में नहीं आती हैं। तो देखिए, तो मैं उसे कैसे आपको देखिए यूज़ में करना बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ये ऐसे नारियल ले लेना है, इसका कवर उतार लेना है। तो देखिए इसका कवर ऐसे उतर जाएगा, थोड़ा हार्ड होता है इसका कवर उतारने में। और ये देखिए राखियाँ, ये मेरी राखियाँ बची हुई हैं राखी की बहुत सारी। तो अभी इसका क्या करें, तो मैंने सोचा इसका यूज़ कर लेती हूँ मैं मंदिर के लिए ही। और ये नारियल है, ये जो छिल लिया है नारियल अच्छे तरीके से, मंदिर का नारियल है, तो हम लोग के वहाँ खाते नहीं है नारियल को, जो पूजा वाला होता है उसे मंदिर में ही रखते हैं या नदी में बहा देते हैं। तो ये देखिए नारियल लिया है मैंने और एक कपड़ा लिया है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक कपड़े को काट लेती हूँ, जितना कि इसमें यूज़ होगा इतना मैं कट कर लेती हूँ। ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है, उसके बाद ऐसे आप चाहें तो उसको चिपका सकते हैं फेविकॉल या ग्लू, या ग्लू की हेल्प से। ये 3 तरह के ग्लू हैं यहाँ पे, मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये देखिए ये है, ये वो है फैब्रिक ग्लू है, ये कपड़े वगैरह चिपकाने के लिए, धागे उसके लिए यूज़ होता है, 18 रुपीज़ का आता है। ये फेविकॉल है, सभी को पता है फेविकॉल है, ये फेविकॉल 10 रुपीज़ का आता है। और फेविकॉल भी अच्छा होता है, बच्चों के क्राफ्ट वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं, बट इसको कपड़े में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि चिपकता नहीं है इससे। तो ये है एक्चुअली, ये नया आया है, ये आपका फैब्रिक ग्लू और जो फेविकॉल है इसका मिक्स है, आप इसको दोनों जगह पर यूज़ कर सकते हैं, कपड़े के लिए भी और अपने बच्चों के क्राफ्ट पेपर वगैरह चिपकाने के लिए। इसका प्राइस 20 रुपीज़ है। तो अभी देखिए कपड़ा लिया है, इसमें थोड़ा सा फेविकॉल लगा देती किनारे से अभी इसको चिपका के, और ये ऊपर मैंने एक इसकी जो मेरी राखी बची थी राखी को लगा दिया है ऐसे। ये देखिए हॉट ग्लू गन है, हॉट ग्लू गन है, तो अभी मैं तो इसको खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। हॉट मेल्ट ग्लू गन, इसमें जैसे जैसे मेल्ट होता है वैसे वैसे बाहर निकलता है ग्लू, पीछे से छेद होता है इसमें डालने के लिए। देखिए 2 स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे, इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं इसकी, तो ये स्ट्रिप्स पीछे से ऐसे अंदर डालते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये इसके अंदर चली जाएगी, देखिएगा अभी, देखिए इस तरह से इसको अंदर पुश करना है, जितनी जाती है ये उतना ही डालना है, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। और ये इसका बटन दिया रहता है, इसको ज़्यादा प्रेस ना करें नहीं तो टूट भी सकता है ये, जब ये मेल्ट होगी तो अपने आप ही मूव होना स्टार्ट हो जाता है, आप जैसे हिलाएंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। ये नारियल दिया है, देखिए यहाँ पे हॉट ग्लू, ये ग्लू लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे, और ये जहाँ पे बहुत सारी राखियाँ मेरी रखी हुई हैं नीचे, तो ये गुच्छा जैसा है एक्चुअली, तो इसको मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। देखिए ऐसे इस तरह से इसको नारियल के ऊपर मैंने चिपका दिया है, और ये नीचे अब यहाँ पे ग्लू का यूज़ करके हॉट ग्लू गन जो होती है जल्दी इजीली चिपकने के लिए यूज़ हो जाती है एक्चुअली, और बाकी जो ग्लू होता है थोड़ा टाइम लेते हैं, बट ये इंस्टेंट है, आप जैसे ये गर्म होता है काम करता है, और जैसे ठंडा होता है ये चिपक जाता है। तो 1 बाय 1 देखिए इस तरह से जितनी भी मेरी राखी बची हुई थी, और तो मैं सब इसमें लगा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत सारी राखियाँ हैं मेरे पास, तो ऐसे 1 बाय 1 ये राखियाँ मैं इसमें चिपका देती हूँ हॉट ग्लू की मदद से। ये देखिए कि ये मैंने सारी जो अपनी राखियाँ हैं ऐसे लगा दी हैं इसमें 1 बाय 1। ये देखिए नारियल में सारी राखियाँ जो है इसको मैं लपेट लेती हूँ, ऊपर वाला मुझे अच्छा लग रहा था तो इसको मैं इस तरह से लपेट लेती हूँ ऊपर, और ये ग्लू के हेल्प से इसको चिपका लेते हैं हम लोग। देखिए सारी जो जितनी भी इतनी सारी राखियाँ थी मेरी, और बाकी 2-3 जो बच्चे की थी वो ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ इसमें, और इसको भी यहाँ पीछे से इतने पीछे पीछे आ जा रहा है, इसको भी चिपका लेती हूँ हॉट ग्लू गन की हेल्प से, ताकि इसमें चिपका रहे, क्योंकि पूरा नहीं हो पा रहा तो इसमें गांठ नहीं बन पा रही है। देखिए मेरा प्रिपेयर हो गया है, जो नारियल है नारियल को ऐसे यूज़ कर लिया है, ये भी एक्चुअली ये दो है, ये भी नारियल ही हैं, ये भी पूजा के नारियल थे। तो ये देखिए इसमें भी मैंने टिश्यू पेपर लगाया है और कलर से इसको पेंट कर दिया है ग्रीन एंड रेड,
ये जो है ये मौली है, मौली लगाई है मैंने इस पूरे नारियल में। तो ये देखिए दो तीन नारियल हैं ये, और ये इसमें मैंने राखियाँ लगा दी हैं जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई ये वीडियो। तो इस तरह से अपने लोटे के ऊपर मंदिर में आप इसको बिल्कुल सजा के रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये। और आपका राखियाँ भी आपकी यूज़ हो जाएंगी, आपको थ्रो नहीं करनी पड़ेंगी, और नारियल भी आपका यूज़ हो जाएगा इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लिखा है इसमें, प्यारे भैया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो मेरे पीस है ये तैयार हो गया है, और राखी मेरी यूज़ हो गई, नारियल भी आप मेरा यूज़ हो गया। तो ये दोनों भी नारियल हैं देखिए।